नमस्कार दोस्तों, YouTube में आपका स्वागत है। मैं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं चैनल एम्बिशन ट्यूटोरियल एंड कंसल्टेंसी। दोस्तों, आज का वीडियो काउंसलिंग सीरीज पर आधारित है, यानी कि आज हम चर्चा करेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि UPSC द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्ज़ाम। ठीक है दोस्तों, यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्ज़ाम्स के जो मेंस एग्ज़ाम्स होता है उसके ऑप्शनल सब्जेक्ट के सिलेबस पर आज हम चर्चा करेंगे। यानी कि आज का जो सब्जेक्ट है वो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इससे पहले और भी ऑप्शनल सब्जेक्ट पर वीडियो बन चुके हैं, यदि आपको उन वीडियो को देखना है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन तमाम वीडियो के लिंक्स डाल रखे हैं, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अपने टॉपिक्स की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। इससे पहले यदि आप मेरे इस चैनल को, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नए नए वीडियो, नए नए अपडेट्स आसानी से मिलते रहें। दोस्तों, इस चैनल में बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं, काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकते हैं, तो उन वीडियो को आसानी से देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस इसलिए करना पड़ेगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। हाँ दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग पेपर वन, हर सब्जेक्ट की भांति इसमें भी दो पेपर है, पेपर वन और पेपर टू। पेपर वन में क्या क्या आपको पढ़ना है आप देख सकते हैं, थ्योरी ऑफ मशीन्स मैकेन, ठीक है, थ्योरी ऑफ मशीन्स पढ़ना है। इसमें क्या क्या पढ़ना है आप देख सकते हैं, थ्योरी ऑफ मशीन्स में क्या क्या चीज़ है, क्या क्या टॉपिक्स है आप देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में क्या क्या चीज़ है, क्या क्या पढ़ना है आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो को पॉज करके आसानी से अपने नोटबुक में इसको कॉपी कर लीजिएगा दोस्तों, आपको आसानी होगा। इससे अधिक नहीं पूछेगा, इतना ही में से आपको तैयारी करना है। ठीक है, विधिवत तैयारी करना है दोस्तों। इंजीनियरिंग मटेरियल्स आप देख सकते हैं, इंजीनियरिंग मटेरियल में क्या क्या आपको पढ़ना है आप दिया हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग साइंस, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग साइंस में आपको क्या क्या पढ़ना है यहाँ पर दिया हुआ है, आप आसानी से देख सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आपको क्या क्या पढ़ना है। इसमें आपको मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट के विषय में जानना है, मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ है उसके बारे में आपको पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे आपको क्या क्या पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, वैल्यू इंजीनियरिंग, ठीक है, वैल्यू इंजीनियरिंग के विषय में आपको जानना है। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटेशन, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटेशन के विषय में आपको जानना है। इसमें क्या क्या आप देखना है, क्या क्या पढ़ना है आप यहाँ देख सकते हैं। अब हम चलते हैं पेपर टू में दोस्तों, पेपर टू में आपको क्या क्या पढ़ना है आप आसानी से यहाँ देख सकते हैं। पेपर टू में आपको थर्मोडाइनेमिक्स पढ़ना है, थर्मोडाइनेमिक्स में अब कौन कौन से टॉपिक्स आपको तैयार करना है, कौन कौन से पॉइंट्स आपको तैयार करना है आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, अपनी नोटबुक में इसको कॉपी कर लीजिएगा दोस्तों। IC इंजिन्स फ्यूल्स एंड कंबंसन, ठीक है, आपको इसके बारे में जानना है, इसके पॉइंट्स दिए हुए हैं, क्या क्या पॉइंट्स है, किस किन पॉइंट्सों पर आपको तैयारी करना है यहाँ पर दिया हुआ है। आप विधिवत तैयारी करना दोस्तों, एक एक पॉइंट्स का तैयारी करना, किसी को छोड़ना नहीं है। ठीक है दोस्तों, तभी आपका रिजल्ट आएगा। हीट ट्रांसफ़र, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन, ठीक है, इसके विषय में पढ़ना है, इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं आपको इसकी तैयारी करना है दोस्तों। ठीक है, विधिवत तैयारी करना है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, आगे क्या क्या चीज़ आपको पढ़ना है। टर्बो में मशीन्स एंड पावर प्लांट, इसके विषय में आपको जानना है दोस्तों। अब इसमें क्या क्या पॉइंट्स है आप यहाँ देख सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, इन्हीं चीज़ की तैयारी आपको करना है दोस्तों। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है, उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई होगी तो आप प्लीज़ लाइक्स कीजिएगा और साथ में कमेंट्स कीजिएगा,
और अपने दोस्तों में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी विशेष रूप से फ़ायदा हो सके दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, बहुत जल्दी मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।